पल दिया है भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों ने, रोहित शर्मा और उनकी टीम ने भारत के फैंस को गर्व करने का, जिसमें वर्ल्ड कप जीता भारत ने, अपने सभी मैचेस भारत की टीम ने जीते। और बिल्कुल ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये फैंस की तस्वीर है। ये देखिए, हाथ में वर्ल्ड कप उठाए, हार्दिक पांड्या के हाथ में इस वक्त वर्ल्ड कप, साथ में रोहित शर्मा है। ये देखिए विराट कोहली, तो मैन इन ब्लू बस में सवार हैं इस वक्त। और जैसे ही रोहित शर्मा ने हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ली, देखिए पब्लिक कैसे शोर मचा रही है, चैंपियंस चैंपियंस के नारे लगा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं। आप समझ पाएंगे कि सुबह 10 बजे से समझिए कि लोग इंतजार कर रहे हैं खड़े होकर यहां पर, सिर्फ इसी पल के लिए। और सिर्फ मुंबई से नहीं, हैदराबाद से, पटना से, पंजाब से, न जाने कहां कहां से लोग यहां पर पहुंचे हैं क्रिकेट फैंस को देखने के लिए, इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को करीब से देखने के लिए। और ये देखिए, जब अपने वर्ल्ड चैंपियंस को अपने बीच में पाया, ये देखिए रोहित शर्मा के हाथ में ट्रॉफी है, और कैसे सभी खिलाड़ी अपनी थकान भूल गए। मुझे लगता है थकान होगी, बहुत लंबा सफर करके लौटे हैं, और सुबह से लेकर अब तक हम, ये देखिए, ये स्वागत के लिए अलग अलग होर्डिंग्स तैयार किए गए पूरे रास्ते में। हमने ऐसा देखा, जगह जगह होर्डिंग्स बनाए गए हैं, कहीं बैंड बाजा लगाया गया है, लेकिन ये तस्वीर है, इसी तस्वीर का इंतजार कर रहे थे। आगे की पंक्ति में आप देखेंगे रोहित शर्मा है, बराबर में हार्दिक पांड्या थे, फिर उनके बराबर में बुमराह खड़े हुए थे। तो अपने इन चैंपियंस की एक झलक पाने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। और आप समझिए, नरीमन पॉइंट का जो मैंने एरियल व्यू आपको दिखाया था, पूरा कहते हैं ना पैक्ड, बिल्कुल तिल रखने की भी जगह नहीं है, एग्जैक्टली ऐसी ही तस्वीर है। ये दो तस्वीरें, तिरंगा देखिए, तिरंगे को लपेटे हुए ये हार्दिक पांड्या हैं, जिनके हाथ में वर्ल्ड कप है इस वक्त, लेकिन नारे रोहित रोहित के लग रहे हैं। और हार्दिक पांड्या की बड़ी भूमिका भी रही थी, जो फाइनल मैच था, जब वो गेंदबाजी करने आए थे तो 2 ओवर में 3 विकेट लिए थे हार्दिक पांड्या ने, और मैच को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया था पांड्या ने। लेकिन ये जॉइंट एफर्ट पूरी टीम का पूरे वर्ल्ड कप के दौरान, और खुशी इसलिए दोगुनी तिगनी है क्योंकि विश्व कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी टीम ने बिना कोई मैच हारे, अनबीटन, अजय रहते हुए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती हो। और इसीलिए ये पल और खास हो जाता है, विश्व कप हाथ में है भारत के, और इसी विश्व कप का पलके बिछाए मुंबई वासी इंतजार कर रहे थे। और ये विश्व कप लेकर विश्व विजेता टीम इस वक्त, ये जय शाह हैं बीच में, जय शाह के हाथ में इस वक्त वर्ल्ड कप। और देखिए, मुझे लगता है कि हर एक शख्स जो इस टीम से जुड़ा हुआ है, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो सपोर्टिंग स्टाफ है या टीम स्टाफ है, वो हर कोई वर्ल्ड कप को एक बार अपने हाथ में लेकर उसको फील करना चाहता है। और ये अनुभव बिल्कुल अलग है, ये फीलिंग बिल्कुल अलग है। और अब धीरे धीरे नरीमन पॉइंट से टीम इंडिया वानखेड़े स्टेडियम की ओर बढ़ रही है, पुलिस इंतजामों के बीच। मैं आपको बता दूं, आपको भी लग रहा होगा कि इतनी लाखों की भीड़ के बीच में से कैसे निकल पाएंगे खिलाड़ी, तो एक अलग से थोड़ा सा ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया गया है। उस ग्रीन कॉरिडोर से, क्योंकि जहां से खिलाड़ियों की बस गुजर रही है वहां आसपास लोग नहीं है, पुलिस का पहरा है, उसके बीच में से नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम पहुंचेगी भारतीय टीम, जिसमें तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये सफर तय करना है भारतीय टीम को। लेकिन ये 1.5 किलोमीटर का सफर आज मुझे लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि बहुत बहुत लंबा होने वाला है। ये देखिए अर्शदीप भी हैं, अर्शदीप तो हीरो हैं इस बार, गेंदबाजी की कमान इन्होंने संभाली थी, 17 विकेट, लीडिंग विकेट टेक कर रहे अर्शदीप। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ मैच में इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका रही थी अर्शदीप की, हाथ में वर्ल्ड कप लेकर कैसे झुक कर पब्लिक का अभिवादन कर रहे हैं कि आप आए, हम आपके लिए बिछ रहे हैं। है हमारे स्पोर्ट्स एडिटर, और मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ राणा यशवंत भी हैं। रोहित, ये